नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑटो गेजेस प्राइम में। आशा करता हूँ आपको हमारे कल के वीडियो और गेम प्ले साथ ही साथ आने वाले वीडियो भी पसंद आएंगे। अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन भी दबाना ना भूलिएगा। जैसा आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज लेके आते हैं डेली डोज, और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा न्यूज हम आपको पहुंचा सके। तो आज भी आपके लिए ऐसी कुछ डेली डोज लेके आए, आशा करेंगे आपको ये पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में, और आशा करता हूँ आपको कल का गेम प्ले साथ ही साथ हमारे पहले वाले डेली डोज और अदर वीडियोस यहाँ पसंद आए होंगे। बात करें आज के डेली डोज की, तो ये आ रही है ट्विटर की तरफ से, यानी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है ट्विटर के ऊपर। आप जैसे जानते हैं कि इनका जो URL शॉर्टनिंग सिस्टम है, वहां पर बोला जा रहा है कि ये आपके डाटा को लिया जा रहा है, और उसी के लिए यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है आयरलैंड में। तो देखते हैं क्या होता है और क्या रिजल्ट निकल के आता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप बताइए क्या सोचते हैं, और आपको लगता है कि आजकल प्राइवेसी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई है, और हर टाइम हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि यहां पर लीक हो गया, यहां पर ऐसा हो गया। तो अब यहां पर ट्विटर की तरफ से आई है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है फोर्टनाइट के एक नए लीक से। यहाँ पर आप जानते हैं कि फोर्टनाइट पे जो स्किन्स आती है उसे लोग परचेस करना बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ एक नया फीचर आने वाला है गिफ्ट का, यानी अगर आप कोई चीज परचेस करते हैं तो आप इजीली अपने दोस्त को, अपने मेंबर्स को यहाँ गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जल्दी फ्यूचर देखने को मिल जाएगा, और देखते हैं इसके बाद कितना और फायदा इनको पोसा है। तो आप बताइए क्या आप भी खेलते हैं फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट खेलने के बाद आप परचेस करना पसंद करते हैं स्किन, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये गूगल की एक टेस्टिंग से, यहाँ पे गूगल क्रोम पर टेस्टिंग चल रही है, और जल्दी एंड्रॉइड के अंदर आपको एक्सप्लोरर UI देखने को मिल जाएगा। यानी आप जब भी नई टैब खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये UI मिलेगा, और अब देखते हैं क्या क्या और चीजें देखने को मिलती है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या लेके आता है गूगल क्रोम के अंदर। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये BMW की तरफ से, यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियली टीज किया है X7 को, और जैसा आप देख सकते हैं बहुत गजब की लग रही है। कुछ ज्यादा तो मालूम नहीं पड़ रहा, परंतु यहाँ आपको गजब की हेडलैम्प्स देखने को मिल रही है, साथ ही साथ बहुत पावरफुल आपको यहाँ ग्रिल देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल जो बिल्ट लग रही है वो बहुत पावरफुल और बहुत बड़ी लग रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फुल SUV होने वाली है, और ये पहली SUV BMW की तरफ से हो सकती है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कुछ पेटेंट के लीक्स हमारे को दिख गए थे, जिसमें ओवरऑल हमारे को मालूम पड़ रहा था कुछ इस प्रकार से लगेगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या लेके आता है BMW इस बार। तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इनकी गाड़ी को खरीदने में, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, यहाँ पर आप जानते हैं कि हाल ही में एक अपडेट आया था, उसके बाद बहुत से लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट की थी कि उनके ऑडियो ही नहीं आ रहा था, यानी बिल्कुल साइलेंट हो गया था पूरा कंप्यूटर और लैपटॉप बोल लीजिए, तो वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो उसे अब फिक्स कर लिया, हाल ही में जो नया अपडेट आया उसमें इस चीज को खत्म कर दिया, और आपको यह अब दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो आप बताइए क्या आपने भी ऐसी कोई चीज हाल ही में फेस की थी, अगर की थी तो अब जाइए सेटिंग में अपडेट कीजिए, और देखिए क्या आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है Hyundai की एक नई लीक से। आप जानते हैं सेंट्रो ये लेके आने वाले इंडिया के अंदर, और यहाँ पर सेंट्रो बहुत फेमस रही है। अब यहाँ पर इसकी प्राइस रेंज जो है वो लीक हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगी। ओवरऑल प्राइस रेंज जो हमने सोचा था कि 3 लाख से स्टार्ट होगी, वो की वही बैठी है, और अच्छी प्राइस रेंज में ये जा रही है। अब देखते हैं इंटीरियर क्या होता है, और ओवरऑल क्या क्या फीचर हमारे को यहाँ देखने मिलते हैं। तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं सेंट्रो को खरीदने में, या फिर आप प्लान कर रहे हैं कोई और बजट की कार, यानी इसी रेंज के अंदर कोई और कार, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल की तरफ से। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में रिवील किया है कि एंड्रॉइड पाई 75% गूगल पिक्सल स्मार्टफोन में पहुंच चुका है, यानी उनको मिल चुका है। और यहाँ पर आप जानते हैं हाल ही में एप्पल ने भी ये रिवील किया था कि iOS 12 यहाँ पर 50% आईपैड और आईफोन में पहुंच चुका है, तो उसी के रिप्लाई में इन्होंने ये रिवील किया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि एंड्रॉइड पाई गूगल पिक्सल से बाहर निकल के और डिवाइस में कब तक देखने को मिलता है। तो आप बताइए क्या आप इंजॉयमेंट ले चुके हैं
एंड्रॉइड पाई का या फिर आप हमारे जैसे वेट कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेलीडोज की तो यार ये WA बीटा इन्फो की तरफ से यहाँ पर इन्होंने एक व्हाट्सएप की नई लीक शेयर की है जिसके तहत आने वाले टाइम में आपको जो डिलीट फॉर ऑल फीचर है यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर जो मिलता है उसके अंदर अब आपको टाइम लिमिट ज्यादा देखने मिलेगी और यहाँ पे डिलीट फॉर ऑल फीचर के अंदर बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या लेके आता है व्हाट्सएप। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हाँ व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर एड्स भी आने वाले हैं, तो वेट करते हैं देखते हैं क्या क्या लेके आता है व्हाट्सएप इस बार। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट के द्वारा। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये आसुस की तरफ से, आसुस इंडिया ने हाल ही में यहाँ पे ट्वीट किया है और यहाँ बोला है कि ये लॉन्च करने वाले दो नए स्मार्टफोन 17 अक्टूबर को। जी हाँ, यहाँ पर दो नए फोन अब कौन से होते हैं वो देखना होगा। एक जैसा आप जानते हैं कि 18 अक्टूबर को रॉग फोन आने वाला है, तो हो सकता है कि इंडिया में ये पहले ही हमारे को देखने को मिल जाए। साथ ही साथ आपने हाल ही में सुना था कि रशिया में मैक्स प्रो M2 यहाँ पे लीक हो गया था, तो हो सकता है कि वो लॉन्च हो क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा कि ग्लोबली फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तो हो सकता है कि M2 ही हो जो सबसे पहले हमारे को इंडिया में देखने मिला है। तो वेट करते हैं 17 तारीख को ये क्या लेके आते हैं और क्या क्या चीजें हमारे को यहाँ देखने मिलती है और प्राइसिंग क्या होती है। तो आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं आने वाले दो स्मार्टफोन को परचेस करने में और साथ ही साथ चाहते हैं कि हम रिव्यू लेके आए या नहीं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है फिर से गूगल की तरफ से। यहाँ पर आप जानते हैं कि गूगल का पिक्सल बर्ड और जो पिक्सल स्मार्टफोन है उसमें आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन मिलता है और ये आपको अभी तक सिर्फ इन्हीं में देखने मिल रहा था, परंतु अब यहाँ गूगल ने सबके लिए अवेलेबल करवा दिया है। यानी जितने भी गूगल असिस्टेंट पावर हेडफोन हैं और स्मार्टफोन हैं एंड्रॉइड पे चलते हैं उनमें अब आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, यानी आप रियल टाइम में ट्रांसलेशन कर सकेंगे क्योंकि एक लाजवाब चीज़ है। तो जल्दी अपडेट आ जाएगा तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत मायने रखता है कि नहीं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये एक नए लीक से, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेसबुक मैसेंजर के अंदर अब आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा जिसके तहत यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं कोई गलत मैसेज को, यानी अगर आपने कोई गलती से मैसेज कर दिया है तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर इस फीचर का नाम बताया जा रहा है अनसेंड मैसेज, यानी अगर कोई अनसेंड मैसेज है उसे आप इजिली हाँ डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको ये कुछ टाइम के लिए ही मिलेगा, यानी कुछ लिमिटेड टाइम होगा उसी के तहत यहाँ आप इसे डिलीट कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। और देखते हैं ओवरऑल किस प्रकार से ये फ्यूचर आता है और कब तक ये हमारे को देखने को मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे थे ऐसे फ्यूचर का, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये लीनेज ओएस की तरह से यहाँ पे हाल ही में इन्होंने लिस्ट जारी की है कि कौन कौन से डिवाइस है जो सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें से आसूस है यानी आसूस का ZenPad 8.0 और मैक्स प्रो M1 और ऐसे ही एनवीडिया के हैं, गूगल के हैं, LG के हैं और ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ सपोर्ट करेगी। तो हमने नीचे लिंक प्रोवाइड कर रखी है, देखिए क्या आपका डिवाइस सपोर्ट करता है कि नहीं और अगर करता है तो क्या आप चाहेंगे इसे यूज करना, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की तो यार ये फ्लिपकार्ट की तरफ से, यहाँ पे आप जानते हैं कल लास्ट सेल थी और बहुत गजब की यहाँ सेल रही है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डाटा शेयर किए हैं, यानी ऑफिशियली फ्लिपकार्ट ने शेयर किया है और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल फ्लिपकार्ट ने धमाका ही कर दिया है। यहाँ पे इनका कहना है कि अराउंड 3 मिलियन स्मार्टफोन एक दिन में इन्होंने बेचे हैं, तो लाजवाब चीज है। और आप देख सकते हैं कितने दिन तक सेल रही थी तो कितने सारे यहाँ स्मार्टफोन बिके होंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि 120 आईपैड सोल हुए हैं हर घंटे, ये भी एक लाजवाब चीज है। यहाँ पर और बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी है, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो सेल रही है वो बहुत तगड़ी रही है और यहाँ पर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा परचेस करना पसंद किया है। तो आप जानते हैं कि अभी दशहरा आना बाकी है, दिवाली भी आना बाकी है और हो सकता है कि उससे पहले भी यहाँ पर हमारे को फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से एक और तगड़ी सेल देखने को मिल जाए। तो आप बताइए क्या आपने कुछ खरीदा या फिर आप मिस कर गए हैं, अगर मिस कर गए हैं तो वेट कीजिए, कुछ ना कुछ नई सेल हमारे को देखने मिल जाएगी। परंतु एक लाजवाब रिपोर्ट है और दिखता है कि लोग अब ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की तो ये आ रही है कुछ रिसर्चर्स की तरफ से, इन्होंने बनाया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कैमरा जो कैप्चर कर सकता है 10 ट्रिलियन फ्रेम पर सेकंड पे। जी हाँ, मतलब
कितनी लाजवाब स्पीड है और आप देखिए कि लाइट को ये कितने इजीली यहाँ कैप्चर कर पाएगा। तो अब देखते हैं ये हमारे को कब तक देखने को मिलता है और कहाँ कहाँ ये हमारे को यूज में देखने को मिलेगा। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप यूटिलाइज करना चाहेंगे ऐसे सिस्टम को, जल्दी से जल्दी तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आशा करता हूँ आज का आपका डेली डोज अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। यहाँ पे अगर कोई सजेशन है तो कमेंट के द्वारा दीजिए और कोई हेल्प चाहिए तो वो भी पूछिए, हम हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि हम कोई भी चाइनीज कंपनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताते और आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारी तरफ से कोई जवाब भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए माफी चाहिए, परंतु हमारे रूल्स हैं और हम उसी रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।